हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू पार्ट। इन पार्ट में मैं आपको क्लाउड्स ड्रॉ करके दिखाऊंगी, तो उसके लिए मुझे दो सामान की ज़रूरत है, एक कैमल के आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर वाइट एंड एक पेंटिंग ब्रशेस। तो क्लाउड करने के लिए जो पेंटिंग ब्रश की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह की देखने को होनी चाहिए, तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए पहले आपको एक माइंड सेटिंग करना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ पर क्लाउड करोगी। तो मैंने तो इस तरह की सेट कर लिया कि मैंने कहाँ पर क्लाउड्स करूँगी। तो चलो मैं पार्ट बाय पार्ट आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं एक्रेलिक कलर के ट्यूब से थोड़ा सा कलर बाहर के निकालूँगी, ज़्यादा मत निकालना, थोड़ी ही लगेगी तो थोड़ी ही निकालना, और ज़्यादा निकालोगी तो बहुत फास्ट ड्राई हो जाएगी। तो अब मैं पेंटिंग ब्रश में पूरा ब्रश में कलर मत लगाना, थोड़ी ही जगह पे कलर लगाना, एंड उसके बाद राउंड राउंड शेप करके एंड स्पॉन्ज के द्वारा पुश करके करके हल्के से डार्क या डार्क से लाइट इसी तरफ के शेप करके क्लाउड जितनी शेप की होती है अब की मर्ज़ी के शेप से उसका लाइट डार्क प्रेशर अप्लाई करके उसको ड्रॉ करना धीरे धीरे। तो फर्स्ट काम मत करना तो, क्योंकि शेप देने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी शेप से मैं पूरा का पूरा क्लाउड ड्रॉ करूँगी, तो किसी पर छोटे साइज़ किसी पर बड़े साइज़ इस तरफ के मैं ड्रॉ करूँगी। तो देखो मैं कहाँ पर भी लाइट कलर दे रही हूँ तो कहाँ पर भी बहुत डार्क करके क्लाउड को दिखा रही हूँ, तो आपको भी इसी स्टाइल से करना होगा। तो इसी स्टाइल से करोगी तो आपको बहुत ही अच्छे दिखने को मिलेगी। बेसिकली आपको इसी तरफ से क्लाउड को ड्रॉ करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना कि एक्रेलिक पेंटिंग के इस क्लाउड को करने के टाइम पूरा का पूरा सूखी हुआ ब्रश लेना, कोई भी कलर के लिए कुछ भी पानी या मीडियम का यूज़ मत करना। इसी तरफ से पूरा का पूरा क्लाउड का, तो एक टोन चपाई लिया। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ पर नज़र आ रही है कि, तो क्लाउड को थोड़ा सफ़ेद ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मैंने उसी लिए सेकेंड टाइम और एक कलर लगा रही हूँ उसके ऊपर जहाँ पर सफ़ेद मुझे ज़्यादा चाहिए। तो आप भी आपके पेंटिंग के हिसाब से जहाँ पर सादा ज़रूरत होगी तो वहाँ पर वाइट कलर लेना एंड सेकेंड टाइम उसके ऊपर एक कोट लगा देना। अब बारी है थोड़ा हाइलाइट्स की। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ब्लैक लेके एक ऐश कलर को मिक्सिंग करके बना लिया एंड उसके बाद मैं किसी किसी जगह पर थोड़ी ऐशी शाइनिंग लाऊंगी। तो इसी तरफ से आप भी लाना, लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्की होना चाहिए। तो उसके लिए कलर को मिक्सिंग करना एंड बनाना ही मेन फैक्ट होती है। और हैंड की जो प्रेशर, एकदम ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई मत करना, बहुत ही सीरियस होके धीरे धीरे प्रेशर का अप्लाई करके इस जो हाइलाइट्स है डार्क वाली एरियाज उसको निकालना। एंड मुझे फिर से लगा कि किसी किसी जगह पर डार्क ज़्यादा होगी, तो मैंने उसको ढकने के लिए फिर से वाइट का इस्तेमाल करूँगी। एंड इसी तरफ से मैं मेरी जो इस शेप्स के जो क्लाउड्स है जो नेचुरल क्लाउड्स जैसा लगती, तो अगर आप सामने से प्रैक्टिकली करके देखोगी तो आपको और भी अच्छा एंड एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस आपको कहा कि आप किस तरफ से इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो लेट्स ट्राई तो करो, एंड वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी ही।